हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपसे टमाटर के बारे में बात करूंगी। चाहे कोई टेरेस गार्डनिंग करता हो, चाहे आप कहीं आपके पास ज़मीन हो, टमाटर बोना हर कोई पसंद करता है। टमाटर ऐसी सब्जी होती है जो कि बहुत ही उपयोगी, किचन में बहुत ही उपयोगी होती है, सलाद में, सब्जी में, सॉस बनाना। तो आज मैं इसी टमाटर के बारे में बात करूंगी कि इस समय टमाटर की देखभाल आप कैसे करें कि आपको अच्छे से अच्छे बड़े साइज़ के और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिले टमाटर में। तो मैंने टमाटर ग्राउंड में भी लगा रखा है और टेरेस पर भी लगा रखा है। यह टमाटर की सीडलिंग कभी मैं न ख़रीद के लाती हूँ और न मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये टमाटर मेरे जो बाद में पक्के और गिर जाते हैं वही सीड पड़े रहते हैं और मौसम आने पर ये खुद जम जाते हैं। कहीं कहीं कभी कभी तो नाली वाली के किनारे गेट के बगल में मुझे इसकी सीडलिंग दिख जाती है। छोटे छोटे पौधे उगे हुए मैं ले आती हूँ, लगा देती हूँ। इस समय जो है टमाटर को मैं फ्लावरिंग बहुत ज़ोरों पर है और फ्रूटिंग भी हो रही है। तो सबसे बड़ा ध्यान इसको पानी का रखना होता है। टमाटर के प्लांट में नमी हमेशा बनाए रखें, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, इसका प्लांट होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। देखिए कितने अच्छे टमाटर मेरे यहाँ गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। तो इनकी बहुत कोमल होती हैं, तो ज़रा सा पानी की कमी होने पर ये सूखने लगता है, पेड़ मुरझाने लगता है। बाकी मिट्टी में खाद वगैरह तो हम बोते समय ही लगा देते हैं। और इस समय इनके प्लांट इतने बड़े हो जाते हैं, इनका डिस्टर्ब करो तो इधर उधर हो करने पर ये टूट सकते हैं, टूट जाते हैं। और इनकी बस ये आप जो है खाद पहले ही खूब ज़्यादा सी गोबर की खाद मिला लीजिए। मैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, गोबर की खाद ही मिलाती हूँ। और इनको धूप पानी, धूप भी पूरे दिन की मिलनी चाहिए, पानी हमेशा मिट्टी में नमी बनी रहे। और अगर इसमें मरुड़िया रोग लगता है जो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं तो उनका भी उपचार करें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।